हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षित। तो आई पहले तो सबसे ज़्यादा सॉरी कि इतना डिले हो गया क्लासेस के बीच में। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ स्टूडियो वगैरह का काम चल रहा था तो थोड़ा डिले हो गया। बट अब से आपको जो क्लासेस है वो सारी ऑन टाइम बिल्कुल रेगुलर चलेंगी। और जैसे कि आप सबको पता ही है, अपनी नोटिफिकेशन भी आ गई थी कुछ दिन पहले, तो पेपर भी अभी तो इंडेफिनेटली पोस्टपोन हो गए हैं। जैसे भी नया कैलेंडर आएगा अपना यूपीएससी का, उसमें पता चलेगा कि ईपीएफओ का भी ये जो हमारा एग्ज़ाम है ये कब होगा। बट उससे आपकी तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। पूरे जोरों शोरों से अपनी तैयारी करते रहो। अब ये आप एक तरह से ये सोच सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपना एक एज लेने का, तैयारी और अच्छे से करने का, ठीक है। तो हमने क्लास में हमने जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कवर करा थी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रेजेंटेशन वाला काम खत्म कर लिया था। हमने देखा था हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, बैलेंस शीट हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट की वो कैसे होती है, कंपनीज की जो बैलेंस शीट होती है वो थोड़ी अलग होती है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें करी थी। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कवर करेंगे, अब जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हो जाती हैं तो उसके बाद भी कुछ एडजस्टमेंट्स रह जाती हैं, ठीक है। तो इस क्लास में हम वही कवर करेंगे कि उन एडजस्टमेंट्स को हम कैसे अपने अकाउंटिंग में ट्रीट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट होता क्या है, ठीक है। एडजस्टमेंट वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसका जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं हुआ। अब वो उसमें से क्या हो सकता है, सपोज़ आपने कोई ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, वो आपने इंक्लूड नहीं करी अपनी बुक्स प्रिपेयर करते हुए, लेकिन वो इसी पीरियड से रिलेट करती थी, तो वो आपको करनी पड़ेगी, उसको एडजस्टमेंट करना उसको करना पड़ेगा, उसका जो ट्रीटमेंट है उसको सही करना पड़ेगा, तो उसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट। ऐसे ही इसकी डेफिनेशन भी ये कहती है, द ट्रांजैक्शंस विच रिलेट टू अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हम इंक्लूड नहीं कर पाए अपनी जो हम बुक अकाउंटिंग कर रहे थे, जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, लेजर बनाई, जर्नल बनाया, तो उस वक्त हमने उसको ट्रीट नहीं करा, दे हैव नॉट येट बीन रिकॉर्डेड, तो वो हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब इस तरह से एडजस्टमेंट एक चीज़ और हो सकती है, एडजस्टमेंट वो चीज़ भी हो सकती है कि जिसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया था लेकिन उसका ट्रीटमेंट करना नहीं था, राइट, तो वो भी हमारी जो होती है वो एडजस्टमेंट हो जाएगी। सपोज़ कोई ऐसी आइटम थी जो हमारी इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करती थी लेकिन उसको हमने अपनी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लिया, तो उसको हटाने की जो मेथड होगा उसे भी हम एडजस्टमेंट कहेंगे। ऑल्सो द ट्रांजेक्शन विच हैव बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बट दे डू नॉट रिलेट टू दिस अकाउंटिंग पीरियड, किसको अकाउंटिंग पीरियड, जिसकी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो वो भी एडजस्टमेंट्स कहलाएगी, ठीक है। अब इन एडजस्टमेंट की नीड क्या है, हमें करना क्यों पड़ रहा है ये सब, इसका सबसे पहला हमारे जो हमने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कहा था कि ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है। तो अगर सही अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शंस एक उस अकाउंटिंग पीरियड में ही होंगी तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर नहीं होंगी, ठीक है, वो आपको सही फाइनेंशियल पोजीशन डिपेक्ट नहीं करेंगी, राइट। और हमने एक पढ़ा था इसमें एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता था, एक्रूअल कंसेप्ट कहता था कि जो आपका प्रॉफिट या लॉस है, ठीक है, वो आपके कैश ट्रांजैक्शंस पे बेस नहीं होता बल्कि जो उसमें रेवेन्यू रियलाइज हुआ है उस ट्रांजैक्शंस पे बेस्ड होता है। माने मतलब अगर कोई ऐसा एक्सपेंस था जिसके लिए आपने कैश पे किया, ठीक है, कैश तो पे कर दिया लेकिन वो एक्सपेंस होना था आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो ये जो आपने कैश पे किया है ये आप P&L अकाउंट में, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप नहीं शो करेंगे क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करती है, उस वजह से आप इस अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। और अगली नीड क्या है, कुछ देर में एग्जिस्ट सम रिसीप्ट एंड एक्सपेंसेस इन विच करंट ईयर there may exist some receipts and expenses in the current year which partially relate to the previous year or next year, वही बात
कि कुछ ऐसी रिसीट्स या पेमेंट्स आपके पास एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो आपके इस अकाउंटिंग पीरियड के नहीं थे, बल्कि पिछले के थे या उससे अगले अकाउंटिंग पीरियड के थे, तो उन एंट्रीज को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि सिर्फ आपकी जो ट्रांजेक्शन इस अकाउंटिंग पीरियड से हैं वही आप रिकॉर्ड करें, ठीक है। कुछ ऐसे इनकम एंड एक्सपेंसिस भी हो सकते हैं, राइट, तो इन आइटम्स को आपको एडजस्ट करना पड़ता है ताकि आपकी जो ट्रू एंड फेयर व्यू है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बिजनेस का, वो आपको मिल पाए। उसके बाद अब ये है हमारी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकती है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कोई ऐसा एक्सपेंस जो आपने इस साल का आपका रिलेट करता था लेकिन आपने पैसे नहीं भरे, सपोज आपने किसी की सैलरी नहीं दी, ठीक है, तो मार्च की जो उसकी सैलरी थी वो आप सपोज अगले महीने की 7 तारीख को देते हैं, तो वो आपका जो हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब आपका अपना पिछले अकाउंटिंग पीरियड का ही वो एक्सपेंस था लेकिन वो पे नेक्स्ट में हुआ, लेकिन जो वो पे हुआ उससे हमें कोई लिंक नहीं होगा, बल्कि जो रियलाइज़ हुआ जब उसका एक्चुअल जो अकाउंटिंग पीरियड था उसी में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन एन एक्सपेंस ऑन अकाउंटिंग पीरियड रिमेन अनपेड, कोई हमारा एक्सपेंस था जो हमने पैसे नहीं दिए एंड तक 31 मार्च तक, तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे ये हमारी अर्निंग से रिलेट करते थे, जो हमने मैचिंग कंसेप्ट में पढ़ा था, याद है आप सबको। तो अर्निंग रेवेन्यू हमारा इस ईयर का था तो एक्सपेंस भी इसी ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए था, लेकिन हमने रिकॉर्ड करा नहीं, तो वो चार्ज होना चाहिए अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दिस अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट होगा, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक सैलरी पे करनी थी, सैलरी फॉर मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, 1 लाख रुपए की आपकी सैलरीज आप पे कर रहे थे हर महीने, और मार्च मंथ की 1 लाख रुपए आपने पे कब करे, पेड ऑन 7th अप्रैल 2020 लिख देते हैं, ठीक है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो कौन सी डेट से था, वो 1st अप्रैल 19 से था 31st मार्च 20 तक, ठीक है। तो ये जो सैलरी थी 1 लाख रुपए ये इसी अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट करती थी, ठीक है, लेकिन हमने पे कब करी, वो 7 तारीख को पे करी, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने लगे तो उसमें ट्रायल बैलेंस में ये सैलरी हमारी जो थी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी। तो हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट के तौर पे हमारा जो पीएनएल अकाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसमें जहां आपका हेड आ रहा होगा सैलरीज, तो उसमें हम ये आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये ऐड कर देंगे 1 लाख रुपये। यहाँ 11 लाख रुपए मान के चलिए कि 11 महीने के हमने सैलरी भरी थी, तो ये जो एक्सपेंस होगा ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि वो इसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट करता था। अब हमेशा एडजस्टमेंट के दो जो होते हैं, दो पहलू होते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसकी ड्यूल अकाउंटिंग होती है, हमने सबसे पहले शुरुआत में करा था। तो ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, इसका दूसरा जो ट्रीटमेंट होगा वो हम करेंगे बैलेंस शीट जो हम प्रिपेयर करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब हमने पैसे देने थे, तो ये क्या हुआ, हमारा लायबिलिटी हुआ, तो लायबिलिटी साइड पे हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरीज आ जाएगा 1 लाख रुपए से, ठीक है। इसको जब आप 7 अप्रैल को पे कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज आपका हट जाएगा टू कैश हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री 1 लाख रुपए से, ठीक है, ये होगा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऐसे ही एक हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में तो था कि कोई एक्सपेंस था लेकिन हमने पे नहीं किया, प्रीपेड एक्सपेंसेस है कि कोई एक्सपेंस था नहीं लेकिन फिर भी हमने पे कर दिया, मतलब एडवांस में हमने पे कर दिया। तो ये जो एक्सपेंस है, द बेनिफिट ऑफ सम ऑफ द एक्सपेंसेस ऑलरेडी स्पेंट विल बी अवेलेबल इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, सच एक्सपेंसेस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब कोई हमने ऐसा एक्सपेंस करा था जिसका जो बेनिफिट है, जो रेवेन्यू है, वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में आना था, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। सपोज कीजिए आपने कोई इंश्योरेंस करवा ली, कोई रेंट भरा था, रेंट आपने पूरे साल का भर दिया 12 महीने का, किस तारीख को, जनवरी में भर दिया जी हमने, तो जैन टू दिसंबर का भर दिया आपने, लेकिन जो जैन फेब और मार्च
जैन फेब और मार्च का होगा वो एक अकाउंटिंग पीरियड में आएगा, और बाकी के जो 9 महीने हैं वो अलग अकाउंटिंग पीरियड में आएंगे। तो ये हमारा प्रीपेड, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई भी खर्चा होगा अगर हम उसे एडवांस में पे कर देंगे वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। एज़ दे हैव ऑलरेडी बीन पेड, पे कर दिया है हमने तो इंक्लूड हो गए हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन होने नहीं चाहिए थे क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं करते हैं। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम वहाँ से हटाएंगे जहाँ भी वो रिकॉर्ड हुए हैं हमारे पीएनएल अकाउंट में, वो चार्ज हुए होंगे वहाँ से उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, राइट। ये एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए थे, शुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड, इसे कैरी फॉरवर्ड करना था। अब चलिए इसको भी एक एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। सपोज़ कीजिए हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, उसमें हमने रेंट लिखा हुआ है, रेंट फॉर 12 मंथ्स 12,000 रुपये। नीचे नरेशन में लिखा हुआ है पेड ऑन January 1st, ठीक है। तो अब हमें समझ आ गया कि हमारा जो जनवरी से फरवरी मार्च ये जो 3 महीने थे इसका जो रेंट था कितना था, हर महीने का 1,000 रुपये है, राइट। तो टोटल कितना होना चाहिए था इस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड, सिर्फ 3,000 रुपये। लेकिन हमने करा क्या होगा, जब हमने पीएनएल बनाया होगा तो 2 रेंट लिख दिया होगा 12,000 रुपये। तो अब इसे क्या करेंगे हम 3,000 रुपये लाने के लिए, इसमें से जो हमारा अगले 9 महीने का रेंट है वो डिडक्ट कर देंगे ताकि इसमें सिर्फ 3,000 रुपये रह जाए, ठीक है। तो इस अकाउंटिंग पीरियड के पीएनएल में वो हमारा जो खर्चा है वो 3,000 रह जाएगा, और आप एक बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एसेट, ये आपका एसेट होगा क्योंकि ये पैसा आपका है जब तक ये एक्सपेंस इंकर नहीं होता, जब तक उसका रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता, ठीक है, जिसको आपने रेंट पे किया है। तो आप इसको एसेट दिखाएंगे, एसेट में ये आपका आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, कितना, 9,000 रुपये से, राइट। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। तो अगला हम चलते हैं एक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसा ही इसका एक तरह से ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। एक्रूड इनकम क्या हो गया आपका, एक्रूड इनकम माने आपने कोई इनकम अर्न की थी, ठीक है, आपके कोई सोर्सेस थे, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट्स थी, ठीक है, कहीं से आपको रेंट आ रहा था, वो आपने अर्न की लेकिन आपको पैसे नहीं मिले उसके, ठीक है। आपने एक इनकम, तो इनकम जो आपकी थी वो रियलाइज हो गई, पेड नहीं हुई अभी, ठीक है, मतलब आपको पैसे मिलने चाहिए थे लेकिन मिले नहीं। तो हमें जो ये इनकम थी ये इंक्लूड करनी चाहिए थी इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगी, तो हम इसे इंक्लूड करेंगे अपनी एडजस्टमेंट में। तो होगा क्या, जब आप पीएनएल बनाएंगे तो आपकी सपोज इन्वेस्टमेंट आपने की थी, उस पर आपको इंटरेस्ट आना था, इंटरेस्ट एक्स वाई जेड कुछ भी आया था, उसमें आपकी जो ये एक्रूड इनकम वाली अमाउंट है ये आप ऐड कर देंगे। इसमें वैल्यूज ही फिल कर देते हैं, 10,000 रुपये सपोज कीजिए, तो एक्रूड इनकम आपकी ये इसी साल की इनकम में ऐड हो जाएगा, और जो आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें ही आपका एसेट आ जाएगा क्योंकि ये आपको पैसे मिलने हैं, आपने देने नहीं है, ये आपको पैसे मिलेंगे, राइट, ये आपका एसेट आ जाएगा। और इस साल जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप इसको कैश टू एक्रूड इनकम, जो भी आपका इंटरेस्ट था या कुछ भी था उसके नाम से आप इसको रिसीव कर लेंगे, राइट। तो अगला हमारे पास आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। उसमें क्या है कि इनकम हमारी एक्चुअली अर्न नहीं की थी हमने, लेकिन हमें कैश मिल गया, किसी ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए किसी काम के लिए, एडवांस में आपको रेंट दे दिया, वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे थे, यहाँ आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है, एडवांस में पूरे साल का रेंट दे दिया 12 महीने का, लेकिन 3 महीने का था जो वो इस अकाउंटिंग पीरियड का था 19-20 का, तो आप सिर्फ 3 महीने का आपने रियलाइज़ करना था लेकिन आपने कर दिया पूरे साल का, तो वो पूरे साल के जो बाकी 9 महीने वाले थे वो आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। इनकम्स विच हैव नॉट बीन अर्नड बट हैव बीन रिसीव्ड, ये जो अमाउंट थी हमारी इस अकाउंटिंग पीरियड को रिलेट नहीं करती थी, तो ये
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना हटा देंगे हम इसको, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनाया था आपने, ठीक है, उसमें आपने एक इनकम दिखाई थी, उसमें से आप एडवांस वाला पोर्शन डिडक्ट कर देंगे, जितना भी वो पोर्शन होगा वो आप डिडक्ट कर देंगे इस अमाउंट में से, और बैलेंस शीट पे आप ये लाइबिलिटी में ले जाएंगे, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये उस दूसरे का पैसा है जिसने आपको दिया था। जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते, जब तक इसका सही अकाउंटिंग पीरियड नहीं आता, तब तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, ये आपकी लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास आता है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। इसमें किस तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, किस तरह की एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, इसमें आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि हमने जब 18-19 का अकाउंटिंग पीरियड क्लोज किया तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक था वो हमने 20% गिरा दिया, मतलब 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक था हमारे पास, लेकिन हमने उसको 80,000 रुपये शो किया। क्यों किया? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हमारा फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कि द क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट, प्रूडेंस प्रिंसिपल में ही हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो किस पे वैल्यू होगा, वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू या उसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी कम है उस पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू थी वो 80,000 रुपये थी उस टाइम पे, तो हमने 80,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिया 18-19 में। अब जब 19-20 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब हमने 19-20 काम करा तो हमें पता चला कि हमारी गलती लग गई थी, ये 80,000 रुपये उसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं थी, 80,000 के हमने 1 लाख ही उसको रियलाइज़ कर लिए। तो सवाल में आपको कह देगा कि द स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो इस सवाल में आपने जो है वो, लेकिन द रियलाइजेबल इट वॉज रियलाइज एट फुल वैल्यू, तो वो कह देगा, ये आपको 1 लाख रुपये नहीं दिखाएगा सवाल में, वो कह देगा कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑन 1/4/19 80,000, स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाई 20%, तो आपने सही वैल्यू उसकी लेनी है। तो इसको सही वैल्यू में कैसे जाएंगे, इसको कहेंगे हम सपोज सही वैल्यू हम अगर एक्स सपोज कर लें, तो एक्स में से हमने 20% जो था एक्स का वो हटा दिया था और उससे हमारी वैल्यू आ गई थी 80,000 रुपये। तो जब इस इक्वेशन को 80% ऑफ एक्स को आप सॉरी एक्स को आप 80,000 करेंगे तो ये आपके पास 80,000 × 100/80, ये आपके पास 1 लाख रुपये आ जाएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल इक्वेशन से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं या शॉर्टकट से भी आप इसको इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो आप कहेंगे ओपनिंग स्टॉक हमारा था 1 लाख रुपये और इसी के हिसाब से आप अपनी बाकी एडजस्टमेंट्स कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पूछी जा सकती हैं कि सही ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू क्या थी पेपर में, राइट। अब अगला हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है कि सवाल में आपसे पूछ सकता है कि हमने सपोज हमारे एक्सपेंस है, मटेरियल है या कोई भी एक्सपेंस है, जैसे ऑफिस स्टेशनरी लगा लीजिए, ठीक है, उसने आपको कह दिया कि ओपनिंग तो हमारे पास थी 80,000 रुपये की स्टेशनरी, बड़ी कंपनी है 80,000 रुपये की स्टेशनरी थी, क्लोजिंग में हमारे पास थी 40,000 की स्टेशनरी, तो कंज्यूम कितनी हुई? अभी तो सीधा सीधा पता लग जाएगा कि भाई 80,000 का माल था, 40 का रह गया तो 40 कंज्यूम हो गया। उसमें आपको कह सकता है कि आपने परचेज कर ली बीच में, आपने 1 लाख रुपये की परचेज भी कर ली थी इस साल में, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है, इसकी इक्वेशन बनेगी हमेशा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपने कहीं देखी देखी सी लग रही होगी इक्वेशन, याद कीजिए हमने कहाँ इसको किया था, बिल्कुल सही, इसको हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में
ऐसे ही हमने एक इक्वेशन यूज़ की थी। यहाँ भी हम जो वैल्यू ऑफ एक्सपेंस या मटेरियल कंज्यूम्ड है वो भी यही है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, एक तरह से हम वही चीज़ निकाल रहे हैं। तो ओपनिंग 80 प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये हमारे पास आ जाएगा 1,40,000 रुपये का हमने इसमें स्टेशनरी यूज़ कर लिया, राइट। अब सपोज कीजिए आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, आप उसमें काम कर रहे हैं, चिप्स का बिज़नेस है, आप चिप्स की ट्रेडिंग करते हैं, पोटैटो चिप्स की, राइट। अब आप काम कर रहे थे तो भरी दोपहर में 12-1 बजे आप थक गए, तो आपने एक चिप्स का पैकेट उठाया, लेज का पैकेट उठाया, खोला और खा लिया, तो हुआ क्या, जो आपका स्टॉक था वो कम हो गया, ठीक है, लेकिन सेल तो हुई नहीं, उसके लिए पैसे तो आप दोगे नहीं क्योंकि आपका अपना सामान था, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए था। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमारे पास बनता है उसको हम करेंगे। अब उसमें आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका जो नुकसान हुआ वो सिर्फ आपकी कॉस्ट का हुआ, प्रॉफिट का नहीं हुआ, क्योंकि वो आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, ड्रॉइंग कर लिया एक तरह से, और वो भी गुड्स के रूप में, आपके स्टॉक के रूप में। तो हमारी जो परचेजेस थी, सबसे पहले तो एक ट्रीटमेंट तो आप ये उसमें से माइनस कर देंगे, वो चिप्स का पैकेट, उसकी जो भी अमाउंट थी, जो भी कॉस्ट थी, आप परचेजेस में से, आपका ये था ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, तो उस अकाउंट में परचेजेस में से ये आप डिडक्ट कर देंगे इस चिप्स की पैकेट की कॉस्ट। और दूसरा जो ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ से होना चाहिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस से तो हो नहीं सकता क्योंकि आपकी ये ट्रेडिंग नहीं थी, आपने खुद कंज्यूम कर लिया, तो उसका जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो हम करेंगे कैपिटल में से, ठीक है, जो प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है, उसके फंड्स को हम कहते हैं कैपिटल, तो उसी ने ये चीज़ कंज्यूम की थी, तो उसके हम वैल्यू में से ये चीज कम कर देंगे, हमारी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें हमारी जो कैपिटल होगी उसमें से हम ये ड्रॉइंग डिडक्ट कर लेंगे, इसी चिप्स के पैकेट को यहाँ से माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये हमारी डबल एंट्री इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, जो स्टॉक था आपका कम हो जाएगा और आपकी कैपिटल भी उसी अमाउंट से कम हो जाएगी, राइट। अब गुड्स यूज्ड इन बिजनेस, चीज़ वही है कि आपने यूज़ कर लिया लेकिन अपने लिए नहीं किया, आपने चैरिटी कर दी, गिफ्ट दे दिया किसी को, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो ट्रेडिंग अकाउंट था उसमें से परचेज तो कम होगी ही होगी क्योंकि आपका स्टॉक कम हुआ है, ठीक है, परचेज में से हम इसको डिडक्ट कर देंगे अपना चिप्स को, चिप्स के पैकेट को डिडक्ट कर दिया। अब दूसरा ट्रीटमेंट कैपिटल में से करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रोप्राइटर ने तो यूज़ ही नहीं किया, उसकी क्या गलती बेचारे की, उसने तो खाया भी नहीं, तो इसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होगा वो अब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे और यहाँ पर एक्सपेंस शो कर देंगे, चैरिटी या गिफ्ट जो भी हमारा एक्सपेंस था वो शो कर देंगे और वो चिप्स का पैकेट यहाँ भी आ जाएगा, राइट। इससे आपका जो गुड्स यूज्ड इन बिजनेस हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे और आप एक्सपेंस भी उसका रिकॉर्ड कर देंगे, सिर्फ किस अमाउंट से, सिर्फ आपकी कॉस्टिंग से, उसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, ये हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, अब आगे 2-3 छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स और हैं, वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे। और EPFO का पेपर ऑल दो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन प्लीज़ तैयारी में कोई भी आप ढील मत बरती, आपको एक सिर्फ एडिशनल टाइम मिल गया है, अच्छी बात है, और हो सकता है और ओपनिंग्स खुल जाएँ और पोस्ट बढ़ जाएँ, ठीक है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आप बाकी पेपर्स भी अपने सही ट्रैक पर रखिए, ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।